बीन सो शोन यू, ये भी वेरी गुड, वेरी गुड नुसरत। और नीचे स्क्रॉल करो, क्या बात, वेल डन, वेरी गुड वेरी गुड। बेहतरीन, सुपर। अच्छा और इसे नीचे करो, और वो सेंटर में क्यों नहीं किए वो तीन कार जो है। और नीचे ले आओ, और तीन कार्ड मैंने सेट नहीं कर पाई। ये वाले तीन सेंटर में नहीं हो रहा है। नो सर, क्यों क्यों नहीं हो रहा है, कोड कोड दिखाओ तो, कोड दिखाओ। इसके लिए आपने कॉलम कॉलम यूज की होंगे ना, तब इसलिए नहीं हो रहा। ठीक है ठीक है, मुझे चल के मसले का बता, और थोड़े से ऊपर करो। हाँ अब ये हमने ना, आपने यूज किया रॉ और कॉलम, जब कॉलम यूज करेंगे तो उसके लिए वो सेंटर में नहीं आएगा। ये 3-3 खत्म करो, कॉल 3, यहाँ पे 4-4 करो। अब आओ, अभी देखो ब्राउज़र में देखो, ऐसे ना से कंट्रोल एस कर दिया करो। नीचे लेकर आओ। हाँ अब कुछ पहले से कुछ बेहतर हो रहा है। अच्छा अब इसको अगर और ज्यादा सेट करना है, नहीं जहाँ पर ठीक है ब्रो, इक्वल स्पेस आ रही है, सेंटर में आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपको उस तरह से चाहिए तो फिर आप 4 लगा लो, लेकिन यहाँ पे ठीक है, बेहतरीन व्यू आ गया इसका। इसकी हेडिंग ऊपर वाले में थोड़ी सी ज्यादा है, इन वेब डेवलपमेंट वाले में इसमें एक दो और करेक्टर ऐड करोगी ना, इन वेब डेवलपमेंट लिखा आगे सर्विसेज लिख दो तो तब भी ठीक है, या वेब के आगे बी आर का टैग लगा दो तो ये नीचे हो जाएगा। कोड इसका ओपन करना, HTML वाला। अच्छा वाला ठीक है। अच्छा इसे और नीचे स्क्रॉल करो। हाँ ये देखो तुमने ना, आपने लगाई टैग के बी आर लगाया, लेकिन वेब डेवलपमेंट के ऊपर ना बी आर नहीं लगाया, ऊपर थोड़ा सा करो इसे, और सेकंड वन शो करो कॉल 4। हाँ आप वेब के आगे भी बी आर लगा दो, वेब बी आर डेवलपमेंट, या इनके इनमें खत्म कर दो, ये जो दूसरे नंबर पे है ये वाली, वेब के आगे बी आर लगा दो। यहाँ पे लिखो ना, जहाँ पे H1 की हेडिंग है तो वहां पे लिखो है वेब, वेब के आगे बी आर का टैग लगा दो। नो नो नॉट हेयर, इन साइड HTML आफ्टर द वेब वर्ड, यहाँ पे लिखो ना वेब, वेब WEB वेब, इसके आगे। हाँ यहाँ पे लगाओ, अब इसे ओपन करो, सेव करके कंट्रोल एस कर दिया करो। इब्राहिम क्लोज द कैमरा ब्रो, ब्राउज़र में शो करो। इब्राहिम माइक को म्यूट करो, या कोई बात करनी तो बात करो। पूनम कैसी हो आप, वेरी गुड नुसरत। हाँ अब ठीक है ठीक है। अच्छा इसके अलावा कोई नुसरत बनाया था प्रोजेक्ट, चलिए वेरी गुड। हम पूरा आपने काम वगैरह किया,
वेरी गुड वेरी गुड नुसरत, आपका काम बड़ा प्यारा था। ठीक है। अच्छा जी इमरान भाई, वो वजू से पता नहीं कहाँ पे रह गए हैं। पूनम, पूनम ठीक है। पूनम आप भी ना थोड़ा करो काम वगैरह की तरफ ना तवज्जो करो, काम स्टार्ट करो। अच्छा नुसरत, आज तक जितने लेक्चर हुए हैं उनमें किसी किस्म की कोई टेंशन तो नहीं हो रही? कोई सवाल पूछना हो या कोई चीज बनाने में मुश्किल हो रही हो? आप माइक से आज बात करो। आज हम दो तीन ही हैं, हम पूनम और आप हो, तो अपने माइक जो है वो सही कर लो। माइक माइक की बात करो, कमेंट ना करो। जैसे भी आपको हिंदी आती है माइक से बात कर लो। जी नुसरत, आपको कोई सवाल तो नहीं? कोई चीज समझ ना आ रही हो या कोई चीज बनाने में मुश्किल हो रही हो वेब डिजाइनिंग के हवाले से? हाँ फराज भाई कैसे हो? मेरा ड्रॉप डाउन मेनू में प्रॉब्लम है, बट आप तो ड्रॉप डाउन अभी भी नहीं कर रहे हैं। अच्छा ड्रॉप डाउन में प्रॉब्लम आ रही है, वो किस तरह से प्रॉब्लम आ रही है? मैंने आपको जो प्रोजेक्ट देखे बहुत दिखाया था आपने, किस स्पेस था, पे मैं था? उसको फिक्स करना चाहता हूँ। जो प्रोजेक्ट मैंने देखा था व्हाट्सएप व्हाट्सएप में आपको, हाँ उसमें जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है सर्विसेज में, उसमें बहुत ज्यादा स्पेस है, मैं उस स्पेस को हटाना चाहती हूँ। अच्छा, ड्रॉप डाउन में जो स्पेस है उसे उसे खत्म करना चाह रही हो? हाँ अच्छा ठीक है, उसका कोई मसला नहीं है। ऐसा करो कि जो व्हाट्सएप है ना हमारी, उस पर एक दफा कोड सेंड कर दो, मैं इधर अपने पेज में ओपन कर लेता हूँ। मैंने तो काट दिया था। ओके मैं वो मैंने ना क्रिएट चैट करती डिलीट हूँ। कर दी थी, व्हाट्सएप मैंने न्यू इंस्टॉल की थी ना, वो सारी चैट मुझसे डिलीट हो गई। हाँ फराद, आपने कोई असाइनमेंट नहीं बनाई? फरहाद अच्छा, लीलत कैसे हो? चल बढ़िया वेरी गुड। लीलत आपने कोई असाइनमेंट बनाई थी? सर। असाइनमेंट तो नहीं सर, मैंने वो जो मेरी पिक्चर सर हम थी ना इंसर्ट की, वो सर मैंने हाँ आज जो आपकी एएसएस वाली वीडियो थी वो सर लगा के देख ली, वो जरूर दिखा सकता हूँ मैं सर आपको। हाँ और दिखाओ सर वो वो उसकी। असाइनमेंट असाइनमेंट सर जो कल भेजी थी ना सर, वो बनाई थी वो उस वाली फॉर्म वाली सर, तो सर अच्छा उसमें वो वर्ड नीचे आ रहे थे तो स्क्रीन मैंने से, आपको भेजी तो सर ग्रुप में भेजी थी सर मैंने फोटोज, और कोडिंग भी भेजी थी सर। अच्छा फिर मैं फिर उस अभी हो जाता, फिर मैंने सही से ना रीड नहीं की होगी। नहीं सर आपने रील किया तभी तो सर आपने बताइए, वो मेरे तो उसकी 60% करनी थी, और अच्छा ऑटो तो का हो नहीं गया था? नहीं सर, ऑटो में जस्ट किया था ना सर, साइज बढ़ रही है उसकी, 60% जब की थी तब तब कर रही थी, और जब जो अच्छा वर्ड्स है ना वो ऊपर भी ऊपर हाँ नीचे आ रहे थे, वो मेरे सामने लाने थे सर। अच्छा, तो स्क्रीन शेयर कर सकते हो? सर स्क्रीन शेयर सर ऐसी बात है कि सर मेरा जो प्रोसेसर है वो सर लो प्रोसेसर है सर, पेंटम प्रोसेसर है, तो सर इसलिए उसमें स्क्रीन शो नहीं हो सकती सर। नहीं कि रैम कितनी है उसकी? सर रैम भी बहुत कम है सर, मतलब 2001 का या फिर सर 2005 का मॉडल है सर वो। उस सफर एक दफा ट्राई तो करना ना, हो जाएगा, इतना कोई इसका इशू नहीं होता। एक मिनट सर, होता तो सर मैं करके देख लेता हूँ। हाँ करें वैसे जूम। सर मैं कोडिंग और वो सब भेजी थी सर मैंने। अच्छा चलिए, आप यहाँ पे शो करोगे ना तो फिर मुझे सही से अंडरस्टैंडिंग होगी, डायरेक्टली फिर गाइड कर सकेंगे। ओके सर। अच्छा पूनम का मैंने कोड यहाँ पर रखा कहीं पे, पूनम का कोड कहाँ पर रखा? तो शेयर करें मुताबिक तो पूनम का प्रोजेक्ट है वो हम कर लेते हैं। चल दोबारा व्हाट्सएप पे आ जाए।
मैं सर जब तक आपकी उस सी एस एस वाली वो वीडियो नहीं देख लेता सर, अगर वो सर जितनी पूरी होगी ना सर, उनसे जो भी सर असाइनमेंट बनेगा सर, वो मैं आपको जरूर सबमिट करा सकता हूँ। सर अब कितनी वीडियो बची होगी सर? कलर मैंने सीख लिया, इमेज लगाना सीख लिया, उसके बाद सर कितनी वीडियोस बची होगी मेरी? जो है ना इसकी सी एस एस की ऑलमोस्ट जो बेसिक वीडियोज हैं वो सारी मैंने करा दी हैं, जितनी हमें जरूरी है वो सारी मैंने करा दी हैं। नहीं सर, मतलब मैंने देख ली सर, कलर और इमेज इंसर्ट तक देख ली है सर, मुझे अच्छा कुल मिलाकर 3-4 और देखनी है सर, उसके बाद जो भी असाइनमेंट बनती है मैं सर आपको सबमिट करा दूँ। ठीक चलिए, वेरी गुड, ठीक है। हाँ है सर। ओके, अच्छा स्क्रीन शेयर नहीं हो रही फिर? मैं इधर एक ना हमारी स्टूडेंट है उसका कोड मैं एक्सट्रैक्ट कर लूँ। जी पूनम, आपको आपको कुछ नहीं पूछना पूनम को? फराद के कनेक्शन का प्रॉब्लम है। फराद आप स्क्रीन नहीं शेयर कर सकते अगर आपने कोई काम अपनी असाइनमेंट दिखानी है तो? नहीं तो फिर एक जो स्टूडेंट है उसका हम एक दफा काम थोड़ा सा कर लें। जी फराद, लीलत, अच्छा चल ठीक है, मैं अपनी आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा ये होगी हमारी स्क्रीन शेयर। अच्छा जो थी क्या नुसरत, नुसरत आपको यहाँ पे इशू आ रहा था ना? आई विल डू ओके। फराद आप कनेक्शन थोड़ा सा सेट कर लो, तब तक मैं ये कवर कर लेता हूँ। अच्छा दो नुसरत आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है ना, इनकी स्पेस नहीं काम हो रही। ऐसा अच्छा इसको ना करने के, यानी आपके पास बहुत से तरीके हैं। यहाँ पे आया मैं, इंस्पेक्ट एलिमेंट पे आऊंगा, पहले हम इसकी सही क्लास को देखेंगे ना कि किस क्लास के साथ ये टारगेट हो रहे हैं। यहाँ पे आया सर्विसेज, यहाँ पे अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ड्रॉप डाउन कंटेंट ये वाला मिनिमम हेड विड्थ इतनी, और ये उसके बाद आ गए उसके एलिमेंट्स, ये आ गए। अब इसकी जो पैडिंग है ऊपर से है इस 8, मैं यहाँ से 2 करके चेक करता हूँ, ये आ गया। अच्छा और ड्रॉप डाउन उसके बाद आ रहा है वेब डेवलपमेंट, वेब एप्लीकेशन डिजाइन, ठीक है। ये वाली हमने ड्रॉप डाउन की क्लास, यहाँ से हमने इसको कॉपी किया, इस क्लास को यहाँ से किया हमने कॉपी, और सी एस एस की फाइल में आते हैं। इसको पहले फाइंड करते हैं कि किस जगह पे है, ये आ गया। आज में पोजीशन उसकी एब्सोल्यूट, अच्छा पैडिंग कितनी, ये इतना आ गया। अब इसको जो पैडिंग दी हुई है यहाँ पे वो दी हुई है, कलर इसका ब्लैक, पैडिंग इसको इतनी दी हुई है। मैं इसकी एक दफ़ा पैडिंग ख़त्म करता हूँ, तो इसको मैं करूँगा रीलोड। ओपनिंग ब्राउज़र किया, अच्छा अभी भी इसकी है काम नहीं हो रही, ठीक है। इसको होना चाहिए, क्यों नहीं, मसला मसला क्यों कर रही है? अच्छा इसको ना ये इसका जो कोड है कहाँ से हम ये वाला एडिट कर रहे थे, इसको यहाँ से करते हैं कट, इसे लास्ट पे लगाते हैं। अच्छा अभी भी नहीं हो रहा। टेक्स्ट डिस्प्ले इसका ब्लॉक,
अच्छा अब ये इन लाइन हो गया, ठीक है, स्पेस का हो गया ब्लॉक, और इसे हम करते हैं पैडिंग, इसको देते हैं बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर ये ऑलरेडी आपकी फाइल बनी हुई है ना, थोड़ा सा एरर करेगी, ये आ गया। अच्छा अब इसका ये जो इंटायर एक ब्लॉक है इसको अब हमने थोड़ा सा काम करना है, इसकी ऊपर नीचे से पैडिंग हम एडजस्ट करते हैं, इसको हम यहाँ से देते हैं हाइट इसकी कितनी करें इसकी 40 पिक्सल कर देते हैं, फिर चेक करते हैं। अब इसकी स्पेस ये काम हो रही है, और अब इसको हम करते हैं इसकी लाइन हाइट 40 पिक्सल, वो भी कर दी। अब ये इसकी स्पेस काम हो रही है, इसका अब जो बैकग्राउंड कलर जो है वो मैंने कर दिया खत्म। हाँ नुसरत हो गई, नुसरत हाँ, जब भी कोई चीज काम नहीं कर रही तो उसकी पैडिंग खत्म कर दो, उसको हाइट दे दो, उसको विड्थ हाइट दे दो उसको, और जितनी उसको हाइट दी है उतनी उसको लाइन हाइट दे दो, तो जो टेक्स्ट होगा वो सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, वेरी गुड नुसरत। अच्छा और हमारे पास कितने दोस्त हैं? हाँ लिलत, आपको कोई इशू आ रहा हो? सर किस चीज में? सर किसी भी चीज में, वेब जितना आपने सीखा उसमें से आपको कोई इशू आ रहा हो? सर नहीं, अभी सर अभी तक तो कोई इशू नहीं आ रहा, क्योंकि सर इतना कुछ मतलब सीखा नहीं है सर, क्योंकि तो इसलिए सर अभी तक तो कोई इशू नहीं आ रहा, क्योंकि सर जैसे जैसे वीडियो देखता जा रहा हूँ वैसे प्रैक्टिकल करता जा रहा हूँ, तो उसके हिसाब से तो सर सारा होगा। ठीक है, वेरी गुड। इंशाल्लाह मैं आपको ना कल एक समय ले, आज मैं ना वीडियोस रिकॉर्ड करनी है इंशाल्लाह, आपकी क्लास खत्म करके ना तो मैंने वीडियोस रिकॉर्ड करनी है, दुआ करें कि मैं कर लूँ, मैं वीडियोस आपके लिए रिकॉर्ड करनी है, जितनी भी CSS की रहती है ना जो आपके लिए ज्यादा जरूरी है वो मैंने एक दो दिन लगा के इंशाल्लाह वो खत्म कर देनी है, वो सारी आपकी कम्प्लीट हो जाएंगी, फिर उसके बाद सिर्फ हमने प्रोजेक्ट्स करने हैं, फिर मैं आपके सामने प्रोजेक्ट करूंगा HTML CSS के, चार पांच हम प्रोजेक्ट्स करेंगे, उसके बाद हम जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे, उस पे मूव हो जाना है। जो वेब डेवलपमेंट है ये एक प्रोसेस है, इस पे टाइम लगता है, तो इसकी यानी वर्थ भी फिर ठीक ठाक होती है, तो टाइम लगता है उसको, इसको सीखने में, इसको बनाने में, लेकिन यानी जिस तरह से एक डॉक्टर है ना, एक बंदा तनख्वाह लेता है, अपनी सैलरी लेता है 1 लाख या 1.5 लाख रुपया सैलरी कमाता है, तो उस बंदे की मेहनत देखो उसने कितनी मेहनत की है। अब डॉक्टर जो है उसकी सैलरी होती है तो स्टार्टिंग 80,000 होती है स्टार्टिंग में, तो उसकी एक दफा यानी आप स्टडी देख लो कि उसने यानी मैट्रिक किया, फिर उसके बाद इंटर किया, बायो पढ़ी, पता नहीं कितने कितने मुश्किल सब्जेक्ट्स पढ़े, फिर 4 साल 5 साल का MBBS किया, लाखों फीसें भरनी, फीसें इतनी ज्यादा होती हैं, इतना कुछ भरने के बाद उसके बाद दिन रात करके उसने मेहनत की, यानी एक एक दिन उसने अपने आप को फोकस्ड किया, काम सीखा, ऑपरेशन से वो डरता था, मरीज खून देख के उसे यानी डर लगता था, फिर उसने उस काम को सीखा, फिर खुद ऑपरेशन करने शुरू कर दिए, फिर खून देख के उसे यानी डर नहीं लगता था, बल्कि खून देख के उसमें मोहब्बत पैदा होती थी कि मैं इस मरीज का इलाज करूँ, जो अच्छे डॉक्टर होते हैं। तो इसके लिए एक टाइम लगा ना, ठीक ठाक इस पर टाइम लगा, ठीक ठाक एक समझ लें प्रोसेस चला, तो उसके बाद जाके उसने लाखों कमाए। इसी तरह अगर वेब डेवलपमेंट है, वेब डिजाइनिंग है, तो इसमें आप तब लाखों कमा सकते हो जब आप भी उतनी मेहनत करोगे। अगर कोई लाखों कमाना चाहता है तो उसे कम से कम 1 साल 2 साल अपने आप को दे, अपने आप पे लगाए, कोई ना कोई स्किल सीखे, फिर उस स्किल को काम में लेकर आए, तो तब जाके बंदा कमाने के काबिल होता है। वेब डिजाइनिंग ये नहीं है कि एक महीने में आप वेब डेवलपर बन जाओगे, दूसरे महीने में आप कमाने लग जाओगे, ये एक स्किल है, स्किल सीखने में टाइम लगता है, और ये आपके पास जब स्किल आ जाएगी तो ये आपके पास लाइफ टाइम है। इल्म जो है ना, नॉलेज, ये एक ऐसा खजाना है जिसे कोई बंदा चुरा नहीं सकता, कोई बंदा इसको चोरी नहीं कर सकता। तो इल्म जो है, जो नॉलेज है, वो जितना ज्यादा ले सकते हो वो लो, फ्री मिलता है जहां से वहां फ्री लो, जहां पे पेड मिलता है अगर पे कर सकते हो तो पे करके ले लो, लेकिन नॉलेज लो। विदाउट नॉलेज जो है ना,
बंदा कामयाब नहीं हो सकता। तो आप नॉलेज लो वेब डिजाइन में, अगर इस फील्ड में आए हो तो बाकी काम फिर ना छोड़ो। और यानी डरना डरना एक तो छोड़ दो, जो बंदा कोडिंग से डरता है, या मैं यार किस तरह से ये वेबसाइट डिजाइन जो है वो करूंगा, या बंदा कोई पहाड़ी पे चढ़ता है, आप में से हीलिंग कौन करता है जो बंदा पहाड़ों पे चढ़ता हो, कभी कोई पहाड़ी इलाके में गया हो हिल्स पर? फरात, फरात तो अफगानिस्तान का, या वहां तो वैसे पहाड़ बहुत ज्यादा है। गया। हाँ आप चढ़े हो? चढ़ा भाई, एक बार हमला हुई कुछ टाइम पहले। हाँ तो बंदा स्टार्ट में जब है वो बंदे को डर लगता है कि मैं कैसे करूंगा, तो लेकिन जब बंदा चोटी पे पहुंच जाता है तो फिर डर खत्म हो जाता है, मतलब आस्ते आस्ते ना स्टेप बाय स्टेप उस पर पहुंच ही जाता है। जब नीचे से बंदा देखता है बहुत ज्यादा बंदे को ऊंची लगती है। इसी तरह आपको वेब डिजाइनिंग, जो अभी से आप देखोगे ना कि यार मैंने HTML भी सीखनी है, CSS भी सीखनी है, जावास्क्रिप्ट भी सीखनी है, ये क्वेरी भी सीखूंगा, बूटस्ट्रैप भी सीखूंगा, तो तब जाके मैं वेब डिजाइनर बनूंगा। अगर सोचोगे तो आपके लिए मुश्किल है कि मैं इतना कुछ कैसे करूंगा, लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि मैंने करना है, या मैं CSS सीखूंगा मुझे और मजा आएगा, बूटस्ट्रैप सीखूंगा तो मुझे और ज्यादा मजा आएगा, तो जब आप इंजॉय करने लग जाओगे ना कोडिंग को, तो तब आपको इसमें मजा आएगा, तब आप इसमें काम कर सकते हो। विदाउट इंटरेस्ट आप इसमें कामयाब नहीं हो सकते, और इंटरेस्ट पैदा करना कोई इतनी बड़ी मुश्किल बात नहीं होती। स्टार्ट में तो बंदे को पता ही नहीं होता कि मेरा इंटरेस्ट क्या है। आप नुसरत फराज, जितने भी आप दोस्त हो, पूनम लिल्लत, आपसे पूछो आपका इंटरेस्ट क्या है, तो अभी आपको अपने प्रॉपर इंटरेस्ट का भी नहीं पता। इंटरेस्ट खुद बंदे को पैदा करना पड़ता है, किसी को भी किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं होता स्टार्ट से। बस जो है एक ही चीज में हमें, जो लड़कों को इंटरेस्ट होता है या लड़कियों को, एक ही होता है, वो होता है वेले रहने में, फारिग रहने में, इंजॉय करने में। सर आई एम रेडी टू शेयर माय स्क्रीन। वेरी गुड फरहाद। अच्छा तो इस सफर को ना आपने इंजॉय करना है, थकना नहीं है और जमे रहना है। जहां पे मुश्किल आएगी मैं आपके साथ हूँ। आप, मुझे तो कोई गाइड करने वाला भी नहीं था, फिर भी मैंने सीख लिया, तो मैं आपको गाइड करने वाला हूँ। आपको कोई कहीं प्रॉब्लम आती है तो हम संडे टू संडे मीटिंग करते हैं ना, आज भी कर रहे हैं, तो आपको कोई भी इशू आप डिस्कस कर सकते हो। तो आपके पास तो एक सोल्यूशन भी है ना, कोई किसी को मसला आ रहा है तो मुझसे शेयर कर सकता है, मुझसे सोल्यूशन मांग सकता है, आपके पास तो सोल्यूशन है। इसके बावजूद भी आप ना सीखोगे तो फिर आपकी ये समझ लें बदकिस्मती होगी। तो अभी यानी आपके पास एक जरिया है, आपके पास एक वे है, एक रास्ता है, इस रास्ते को अपना लो। और जो अगर आपके दोस्त हैं वो पढ़ना चाहते हैं, वो सीखना चाहते हैं, आपके बहन भाई हैं वो सीखना चाहते हैं, तो उनको भी सिखाओ। अगर लड़कियां लड़के सब सिखाओ, लड़कियां जो है अब शादी के बाद अमूमन जो है ये घरों में रहना पड़ता है, तो ये वेब डिजाइनिंग आप घरों में बैठकर भी काम कर सकते हो। घरों में बैठ के आप कंप्यूटर लो, इंटरनेट लो, घर में बैठ के पैसे कमाओ। और वैसे भी जो हमारे जितने भी इदारे हैं तो उनमें जो लड़कियां वो ज्यादा सेफ भी नहीं होती, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे वो इंडिया में हो। जो बॉस होते हैं, जो बड़े अफसर होते हैं, अगर कोई लड़की यानी उन्हें अट्रैक्टिव लग रही है तो वो उन्हें किसी भी हद तक जाने के लिए कह देते हैं। तो इसलिए आप जो लड़कियां हो आप इसको और ज्यादा अच्छे तरीके से सीखो, फ्रीलांसर करो। कंप्यूटर पे बैठे हो ना, सामने वाला भी कंप्यूटर पे है, अब हम आमने सामने ना कंप्यूटर पे है, मैं आपको कुछ कह तो नहीं ना सकता। तो सेम इसी तरह जब आप वेब डेवलपमेंट के जरिए फ्रीलांसर करके पैसे कमाओगे तब भी इसी तरह होगा। आपका बॉस जो है, आपका सर जो है, वो दूसरी तरफ बैठा है, आपके दरमियान कनेक्शन क्या है, सिर्फ सिग्नल्स का। तो इसलिए आप इस स्किल को और अच्छे तरीके से सीखो। अगर आपके घर में कोई बहन भाई जो भी सीखना चाहते हैं तो उसे भी इस काम पे लगाओ कि वो भी सीखे, ऑनलाइन सीखे, ऑनलाइन कमाए, ना कि वो ऑफिस में, यानी ऑफिस में भी ठीक है अगर करना चाहे तो, लेकिन ऑफिस बेस में थोड़ा सा मुश्किल भी होती है। शादी के बाद लड़कियां जा नहीं सकती अक्सर, और अगर जाए भी सही तो उनकी जो इज्जत है वो ज्यादा महफूज नहीं होती, मोस्टली तो ऐसा ही देखा है। तो कई भी अच्छे भी अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे, मुआशरा है ना, अच्छे बुरे लोग जो है वो कायम होते हैं। तो हमारी, हम इतने लकी तो नहीं ना हमें हर दफा अच्छे लोग मिले, तो इसलिए आप अपने आप को कमर बस्ता रखो, अपने आप को मजबूत रखो। हाँ अब फराज भाई शेयर करो स्क्रीन। मैं अपनी स्टॉप कर लूँ स्क्रीन, ये मैंने अपनी की स्टॉप, अब आप करो।
आज फैसल और दूसरा इमरान भाई नहीं आया, तो गायब हो गए कहीं पर। हाँ जी इफराद शेयर करो। Is this sharing, sir? हाँ हाँ शो हो रही है। वेरी गुड, इसको ऊपर लेकर जाओ। वेब लर्नर बिल में और नीचे लेकर आओ। इसकी आपने ओवरले गलत लगाई हुई है, देखो ना ओवरले इसकी, ये इसके ऊपर ब्लैक लेयर बांध रही है, बांध रही है, वो पूरी नहीं आ रही। तो जितनी हाइट वेट था हेडर की उतनी इसको इस जो ऊपर लगाई है ना लेयर उसको भी लगा दो। Can't understand, sir. ये आपके ऊपर जो ओवरले शो हो रही है ना, ओवरले एक ब्लैक लेयर शो हो रही है तस्वीर के ऊपर, हल्की सी ट्रांसपेरेंट लेयर नहीं शो हो रही, ब्लैक सी। हाँ ये फुल इमेज पे, इसको फुल इमेज पे करना है। फुल इमेज, हाँ इसको फुल इमेज, बॉटम से जो इमेज है वो सही तरह से नहीं आ रही। ओके सर, हाँ इसको वो करना। अच्छा और नीचे लेकर आओ, रीड मोर पे क्लिक करो। वेरी गुड, ठीक है, होवर इफेक्ट भी लगा दिया। वेरी गुड, यस एंड दैट्स इट, दैट्स इट, ठीक है, कोई नहीं, अच्छी आपकी काविश, अच्छी आपकी प्रैक्टिस है। अच्छा इसकी जो इमेज है ना वो देखो आप, इसकी हाइट ज्यादा नजर आ रही है, तो या तो फिर इमेज को इस तरीके से एडजस्ट करो, या फिर इसकी थोड़ी सी मतलब वेट्स वगैरह चीजें ना अच्छी लगनी चाहिए वेब डेवलपमेंट पे। अच्छा जब हेडर में आप टेक्स्ट लगाओगे ना, जो हेडिंग होगी तो उसका फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल रखो। सर इमेज को 100 VH एंड हाइट को एंड वेट को सर 100, ठीक है, आई जस्ट गिव इट। अब इसके ऊपर जो ओवरले लगाई है वो किस तरह से लगाई है? ओवर ओवरले, अच्छा नीचे आओ, पेज को स्क्रॉल करो और करते जाओ। ठीक है, वेरी गुड, कंटेनर और नीचे आ गया। ठीक है ठीक है ठीक, कोई नहीं ठीक है। बाकी मैं आपको जो हमारी Is this okay, sir? हाँ ठीक है, बड़ी बेहतरीन है आपके, अच्छा काम है। और वो आओ HTML में, ठीक है 6, ठीक है वेरी गुड, ठीक है। ठीक है फराज, ठीक है वेरी गुड, अच्छी आपकी प्रैक्टिस थी थोड़ी सी। okay, थोड़ा सा अब इसको इंप्रूव, ऐसा तो इंप्रूव हो जाएगा, कोई इसका मसला नहीं है। वेरी गुड, ठीक है, अच्छी काविश है। अच्छा और लिलत आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो तो करो। सर नहीं हो रही सर स्क्रीन शेयर, मैंने सर करके देख लिया सर ज्वाइन। क्या कहते हैं अभी करो, अभी पहले और स्क्रीन शेयर की। अच्छा हो जाए तो ठीक है, नहीं हो रही तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, थोड़ा सा ना सर नहीं होती, मैंने चलो कोई बात नहीं, कोई सर बात वो अच्छा अच्छा पता क्या कोशिश करें कि थोड़ा सा ना पीसी को अपडेट कर लें, अगर कंप्यूटर ले लो, कंप्यूटर थोड़ा सस्ता मिल जाता है। नहीं सर मैं पीसी डेवलप करने का हूं सर, मैं कुछ दिन कोई नहीं जितना टाइम लगे, यार हर बंदे के पास इतने पैसे नहीं होते हैं, एट टाइम मतलब चीजें अरेंज कर ले, हर बंदे के पास ऐसा नहीं सर। वो सर ना ये तो सर मेरा था नहीं इतना कुछ करने का सर, मेरा कोई था नहीं बेस कि मैं कोडिंग वोडिंग करूंगा सर, इसलिए मुझे था नहीं ऐसे, थोड़ा सर मुझे चाहिए था। ये तो सर ऐसे इंटरेस्ट आया कि मुझे केतन ने कहा था ये ले वीडियो देख ले, तो अगर तेरे को आता है तो कर ले, मैंने इंटरेस्ट ऐसे वीडियो देख ली तो सर अच्छा लगा। तो अब हमारे मीटिंग के 10 मिनट रह गए हैं, मैं भी आपको बताता हूँ कि किस तरह से मैंने वेब डेवलपमेंट स्टार्ट की थी। अच्छा पता क्या हुआ, एक दिन हम कॉलेज जाते थे, इंटर में था तब मैं दो ढाई साल बैक चले जाओ, मैं इंटर में था, मैं कर रहा था क्या कहते हैं उसको इंटरमीडिएट FSC मेडिकल, FSC मेडिकल में कर रहा था। तो वहाँ पे ना हमारी जो हमारा कॉलेज था ना उसके सामने ना इश्तिहार बड़े लगते थे,
एक दफा ना उस पे उसके ऊपर इश्तिहार लगा हुआ था कि वेब डिजाइनिंग सीखो, लर्न वेब डिजाइनिंग, और फ्री में वेब डिजाइनिंग सीखो, साथ में एक कॉलेज था वहां से 6 महीने का डिप्लोमा है, तो वहां से जाके आप सीख लो। यकीन जानो मुझे जी मेल का भी नहीं पता था कि व्हाट इज जी मेल, व्हाट इज ई मेल, व्हाट इज कंप्यूटर। नहीं, कंप्यूटर का तो खैर पता था क्योंकि पहले मैंने थोड़ा सा कंप्यूटर पढ़ा था, 6ठी 7वीं 8वीं में मैंने कंप्यूटर रखा था। तो हमारे तेरे दो चॉइसेस थी, या अरबी पढ़ लो या पढ़ लो कंप्यूटर। तो अरबी जो थी वो उसके पेपर बड़ा मुश्किल आता था, हालांकि मेरा इंटरेस्ट अरबी में था। कंप्यूटर के 40 नंबर, 40 नंबर होते थे प्रैक्टिकल के, तो वो 40 नंबर प्रैक्टिकल के पूरे लाग जाने थे अगर मैं कर लेता तो, क्योंकि पेपर होने थे हमारे स्कूल में, तो 40 नंबर उन्होंने दे देने थे। तो 40 नंबर जो है ना वो 40 नंबर के लिए, क्योंकि 33 वाला पास होता है, तो मैंने कहा मुझे 40 मिल जाने हैं तो मैंने पास हो जाना। तो वो उसमें दाखिला ले लिया, 3 साल वहां पे कंप्यूटर पढ़ा। वहां पे सिर्फ मैंने पेंट सीखा और बेतुकी सी ना शक्लें बना दी, तो इतना ये ना कोई खास मजा नहीं आया उसमें। फिर जाके समय 4 साल के बाद फिर कंप्यूटर जो है ना, अच्छा मजे की बात, तब मेरे पास ना कंप्यूटर भी नहीं था। मजे की ये भी बात है, वेब डिजाइनिंग भी स्टार्ट की और मेरे पास कंप्यूटर भी नहीं था, मेरे पास एक बकरा था, मैंने बकरा बेचा, तो बकरा बेच के कंप्यूटर लिया, जो अभी तक कंप्यूटर चल रहा है। तो वो बकरा बेचा, कंप्यूटर लिया, कंप्यूटर लेकर स्टार्ट कर दिया दो, दो। और मजे की बात बताऊं, मुझे ना केबलें लगाने नहीं आई थी पहले दिन। पहले दिन ना मैंने वो केबल वगैरह लगाई, मुझे वो केबल ना लगानी आए। वो केबल किस तरह से लगाते हैं, एक होती है ना वीजा केबल जो स्क्रीन को सिग्नल देती है, जो दोनों साइड यानी आपके सिस्टम यूनिट को भी लगती है और आपकी एलसीडी को भी लगती है, तो वो मुझे ना लगानी है कि वो मैं किस तरह से लगाऊं। फिर वो ऐसा ऐसा ना यानी भाई था मेरा, भाई को पता था, तो भाई ने मुझे बताया कैसे होना है। फिर मुझे मुझसे ना पीसी ओपन ना हुआ, वो एक ना पीसी को ओपन करके फिर पावर ऑन करनी होती है, वो बटन मुझे नहीं पता था कि वो कहाँ पर होता है वो बटन। फिर भाई ने बताया कि यहाँ पे होता है, फिर बटन दबाया, फिर पीसी मेरे सामने खुल के आ गया। तो फिर मैंने उस पर काम स्टार्ट कर दिया, तो उसमें मैंने 500 GB की हार्ड रखवाई, 2 GB की रैम थी, कोड टू डू सिस्टम था, आज भी आपके साथ सामने वो चल रहा है, बड़ा अच्छा सिस्टम मुझे मिला था। तो मैंने वर्किंग स्टार्ट कर दी उस पर, तो उतना ना कंप्यूटर के जरिए ना मैंने कहा इसके जरिए पैसे कैसे कमाऊं, तो मैंने ना मेमोरी कार्ड जो है वो फिल करने शुरू कर दिए, गाने वगैरह नहीं भर के देते सिटीज में, तो मैंने अपने गाँव में विलेज में ही ना गाने भरने शुरू कर दिए। और मैं 500 GB की हार्ड थी, उसमें मैंने गाने, फिल्में और जो भी यानी मुशायरे होते हैं, जो भी लोकल लोग पसंद करते हैं, वो मैंने फिल करा के ले आया अपनी हार्ड ड्राइव में। 500 GB की हार्ड थी, आज अभी भी शायद पड़े हो, मैं अभी आपको बताता हूँ, ये भी शायद थोड़े से डिलीट कर दे हो, लेकिन अभी भी ये मूवीज वगैरह, ये HD मूवीज, ये मूवीज अभी भी पड़ी हैं, हॉलीवुड की स्टे ड्रामाज, ये हॉबिट, ये फिल्में अभी भी पड़ी हैं जो मैं फिल करके देता था, मेमोरी कार्ड फिल करके देता था, अब नहीं करके देता 1 साल से, क्योंकि मेरा अपना डाटा जो है मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने ये काम स्टार्ट कर दिया, इस काम के जरिए यानी शाम को मैंने ना कमा लेना यानी कभी 70 रुपया, कभी 80 रुपया, कभी 120 रुपया। और जब मेरे पास आने शुरू हुए ना, मैंने कहा मेरे पास बड़े पैसे हैं भाई, 70-80 रुपया बड़े ठीक ठाक है, क्योंकि मौजें करनी होती थी, कंटीन में गया, चिप्स वगैरह खा ली, बिस्किट खाए, दोस्तों के साथ एंजॉय किया, तो मेरे लिए बड़े थे। तो वो फिर मैंने तकरीबन 2 साल जो है ना वो 1.5 साल मैंने वो काम भी किया, और साथ में वेब डिजाइनिंग सीखता रहा। 4 घंटे की हमारी क्लास होती थी वहां पे, तो सुबह कॉलेज जाना, कॉलेज के बाद टिफिन अपने साथ लेके नहीं जाते थे क्योंकि बड़े थे ना, तो रोटी किस तरह से लेकर जाएं, और फिर जो घर की रोटी ना बंदे को बाहर खाते हुए ना थोड़ी सी शर्म महसूस होती है कि लोग क्या कहेंगे, मैं रोटी खा रहा हूँ साथ में दाल खा रहा हूँ, तो पहले ये महसूस होता, अब तो कोई मसला नहीं ना कि हर घर में रोटी बनती है, दाल भी बनती है और सब्जी भी बनती है। तो पहले ये मसला था, शर्म आती थी कि उनके सामने टिफिन कैसे खोलूंगा, लेकिन ऐसा ऐसा सेट हो गया, यानी कॉलेज जाना, कॉलेज के बाद भूखे पेट वेब डिजाइनिंग की क्लास लेनी 4 घंटे की, उधर से फिर आया घर, तो काफी ना मुश्किलात में 6 महीने मैंने पूरे किए। उसमें बेसिक सिंटैक्स उन्होंने सिखाए, तो उसका मुझे इतना आइडिया नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैंने अपना जो है ना लर्निंग, सेल्फ लर्निंग स्टार्ट कर दी। हम 40 थे लड़के, और 40 में से अभी सिर्फ एक बंदा काम कर रहा है, वो सिर्फ मैं हूँ,
बाकी जो 39 थे वो छोड़ गए। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि ये एक प्रोसेस है, इसको लेकर चलो। मैंने सेल्फ लर्निंग बहुत ज़्यादा की हुई है, तो मैं नहीं चाहता कि जो मुझसे सीख रहे हो ना, या जो जिन लोगों का फ़ायदा हो मेरी वजह से, तो इतनी मुश्किलात का सामना करें, उनको आसानी के साथ चीज़ें मिल जाएं। तो इसके लिए ये मैंने ग्रुप बनाया, फिर मैंने कहा कि चलो लोगों का भला हो जाएगा, क्योंकि हर बंदा फीस तो पे नहीं कर सकता, 5-5, 10-10 हज़ार रुपया के तो वो है कोर्सेज हैं, हर बंदा पे नहीं कर सकता, और स्टूडेंट बंदे के पास तो इतने पैसे भी नहीं होते, कौन सा बंदा खुद कमाता है। तो इसलिए मैंने कहा कि जो मुझे आता है वो फिर मैंने फ्री में सिखाऊंगा, यूट्यूब और ये ग्रुप स्टार्ट किया। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोगों के पास एक रिसोर्स है, आपको कोई एरर आता है, आपको कोई मसला आ रहा है, आपको नई चीज़ सीखनी है, तो एक बार आपके पास जो है बंदा है जो आपको समझा सकता है, आपको सिखा सकता है, आप जितना फ़ायदा हो सकता है मुझसे लो, जितना आप मेरा सर खपा सकते हो क्लास में खपाओ, जितनी आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही वो सारी पूछो, A to Z पूछो, तो आपको एक एक चीज़ में बताऊँगा। तो इसलिए आपके पास अभी मौका है, लिल्लत है, अफराद है, पूनम, आपके पास मौका है, तो आप इस मौके को गवाओ मत। जिसके जो भी इश्यूज हैं वो जल्दी जल्दी कोशिश करें, जल्दी रिजॉल्व करें, और जितने दिन हम साथ हैं तो कोशिश तो मेरी ये है कि हम इंशाल्लाह सारी ज़िंदगी साथ चलें, लेकिन जितने दिन भी हैं तो हम एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहें, और एक दूसरे के साथ फ़ायदा हो, मेरी ज़ात से आप लोगों को फ़ायदा होना चाहिए। इस वजह से आप लोग मेरे साथ भी कॉपरेट करें, जो असाइनमेंट बनाता देता हूँ वो भी देखें, वो भी मुझे बनाकर दिखाएं, आपके कोई दोस्त हैं उनको भी शेयर करें लिंक्स, वो भी आए ग्रुप में, वो भी सीखें। तो हमारा ग्रुप जो है ना वो वेब डिवेलपर्स के साथ भरा भरा होना चाहिए। अच्छा, अब हमारी जो मीटिंग का टाइम है वो बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, अब लास्ट मिनट चल रहा है, तो इंशाल्लाह हम कल नई लेक्चर में मिलेंगे। किसी बंदे का कोई भी सवाल हो तो वो ग्रुप में पूछ सकते हो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, राम राम, जो भी हम सब कहते हैं, और गुड बाय।